देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह जी, इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का एक गहरा दुख है और उस दुख का प्रकटीकरण कई स्वरूपों में हुआ है। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, नकारात्मक बातें कही है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी देश का प्रधानमंत्री सम्मानीय होता है, उसे सभी तबके के लोग आदर करते हैं क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से समाज के कमजोर वर्ग से पैदा लिया हुआ लड़का अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है, समाज के कमजोर वर्ग में पैदा लेता है, अति पिछड़ा वर्ग में पैदा लेता है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में पैदा लेता है और वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है, तो यह ललन सिंह ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो जनता यूनाइटेड में हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल में, उनकी अपनी एक सोच है। ये लोग सामंतवादी पोषक हैं और इसीलिए लगातार श्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल व्यक्तित्व से घबरा कर, और उन्होंने जिस प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की और अपनी भारत की पहचान बनाई और देश को जिस एक अच्छे विकास के पथ पर ले जाने का काम किया है, और आपने देखा ही होगा कि जो भारत के गौरव के प्रतीक है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के जो आध्यात्मिक प्रतीक है, उनको किस प्रकार से उन्होंने उसका पुनरुत्थान करने का काम किया है, ये सारी चीज़ें घबराहट का कारण है। इसलिए उलझुल इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो शुरू से अति पिछड़ा विरोधी मानसिकता रही है। भारतीय जनता पार्टी जब जब साथ रहती है तो वो ठीक रहती है, जैसे ही वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाते हैं तो उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका नीति, उनका सिद्धांत, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो यह ललन जी को भूलना नहीं चाहिए कि ललन जी ने क्या क्या बातें पुराने दौर में नीतीश कुमार जी के बारे में कही है और वो क्या क्या करते रहे हैं, इसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा राज्य उनको जानता है। और इस प्रकार की टिप्पणी भारत की जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले दिनों में बिहार की और भारत की जनता लोकतांत्रिक माध्यम से करारा जवाब देगी। लेकिन मैं उनके इस बयान की भर्त्सना करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किसी पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार का नौजवान अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी देश कभी बर्दाश्त नहीं।